मुझे मेरे साले की लाश दे दो, मैं चला जाऊंगा। हाँ लेके चले जाना, पर बैठ तो सही। सिंडिकेट में तो भाईचारा था ना, फिर ये दुश्मनी कैसी? ये उनसे पूछे ना, शुरुआत तो इन्होंने की थी। झूठ बोल रहा है कमीना, इसने शुरुआत की दुश्मनी की। जक्का शांत हो जाए, सीधा जाके मुर्गन को माल बेचने की क्या जरूरत थी? जवाब दो, सीनू भाई की पीठ पीछे इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या रे, सिंडिकेट के कुछ नियम है, उसूल है, फिर काय को ऐसा किया? क्या ये? तीन करोड़ है। एक टन कितने में बेचा? डेढ़ करोड़ में। सही लग रहा है। शिनो, ये सब सच है? एमएलए साहब, मैं हिसाब बाद में दे दूंगा, लेकिन क्या रे, पहले तूने मेरे साले को धोखे से मार दिया और अब सबको भड़का रहा है। मैंने तेरे साले को नहीं मारा, समझा? मैंने कोंडा रेड्डी के खूनी को मारा है। और कोई छुरा लेके जक्का भाई पे हमला करेगा तो मैं शांत बैठेगा? मौका मिलते ही गोली मार के उसका खोपड़ा खोल दिया। पुष्पा, तुझे भी यही बटन देता हूं। मेरे को तो लगता है जीजा और साला दोनों एक ही बिरादरी के। आना, डरता हूं क्या मैं? ये हरकत कर रहा है, क्या देख रहा है खड़ा खड़ा? तू समझा रहा अपने भाई को? एमएलए साहब, मेरे साले को मारने से पहले इसने फोन पर मेरे से बात की थी, फिर भी मार डाला। मेरी तरह तूने भी तो 5 मिनट लेट फोन किया होगा ना, तभी तो इतना बड़ा नुकसान हुआ। ए, बंदूक साइड में रख, पहले पैसे की बात निपटा। और हाँ, तू तो बोल रहा था 1 टन के सिर्फ 50 लाख मिलते हैं, इसे 1.5 करोड़ कैसे मिल गए? हमने भी इससे यही सवाल पूछा, अगर ये हमसे सच कहता तो हम मुर्गन के पास क्यों जाते? इस पर अन्ना ने इतना भरोसा किया, उसी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। क्या शिनू भाई, चुप क्यों हो? एमएलए साहब पूछ रहे, जवाब दो। अब तुम सबको जवाब देना पड़ेगा क्या? मुझे तुम्हारे वास्ते इतना कुछ किया, सब भूल गए? हाँ ठीक ही तो है, आखिर हम सीनू भाई को सवाल ही क्यों कर रहे हैं? अगर इस हिसाब से चले तो अपने एमएलए साहब के झोली में खाली कमीशन का 20 करोड़ आ जाएगा। हाँ भाई, पुष्पा बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा आदमी हमारा सिंडिकेट संभाले, इसी में हमारी भलाई है। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है, पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। पुष्पा बैठकर एमएलए साहब को प्लान समझा, ला बैठ। साहब मेरे को एक चांस दे के देखो ना, इन लोग को इतना पैसा दिखाएगा कि इन्होंने आज तक देखा नहीं होगा। क्या सोच रहे हो साहब, मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या? ये वर्दी वाले आज तक मेरा माल कभी पकड़ नहीं पाए, यही तो कलाकारी है अपने पास, अपने पे भरोसा करो साहब। 2 टन ज्यादा दाम पर बेच दिया तो सब उसकी तरफ हो गए, इसे आए हुए 2 महीने ही हुए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई, पता नहीं आगे चलकर कितने लोगों की लाशें दिखेंगी, एक बार ये भी सोच लीजिए। क्या साहब, ये तो अभी बच्चा है, इसकी बातों में आकर गलती मत कीजिए। अगर इस छोकरे से कोई गलती हो गई ना तो साहब हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ भाई, मुझे भी इस आदमी पे डाउट हो रहा है। इस काम का सबूत तो सबके सामने पड़ा है, अब से सिंडिकेट का सारा काम पुष्पा ही संभालेगा, जिसको भी अपना माल बेचना है पुष्पा को ही बेचेगा। कल मंदिर में सब लोग शपथ लेंगे,